नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डे में। मैं हूं शेफाली और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं CUET फॉर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के बारे में। सो UGC ने 21 मार्च को एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया है, पब्लिक नोटिस रिलीज किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एनरोलमेंट के एडमिशन प्रोसेस को चेंज करने की बात कही है। अभी तक अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एनरोलमेंट लेना होता था या एडमिशन लेना होता था तो क्लास 12 के जो भी आपके परसेंटेज बनते थे उसके बेसिस पे वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता था। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म्स को फिलअप करते थे, आप उसको पास ऑन करते थे, उनके कोर्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता था। फिर जिस भी कोर्स में या जिस भी प्रोग्राम में आप इनरोल होना चाहते थे उसको आप चूज़ करके अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते थे। अब इस चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म किया जाने वाला है और इसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, जिसको आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अब यानी कि जो आपका 2022 और 2023 के एकेडमिक सेशन जो शुरू होने वाले हैं, इसमें किस प्रकार से एडमिशन होगा, तो इसमें एडमिशन होगा CUET के स्कोर के बेसिस पे, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के स्कोर के बेसिस पे। अब ये क्या है, जैसे कि क्लास 12 था आपने पास ऑन किया, फिर आपको डिफरेंट मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप फॉर्म फिलअप कर देते थे एक ही साथ। फॉर एग्जांपल आपने को लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, BHU से कर दिया, काशी विद्यापीठ से कर दिया, कर्नाटका से कर दिया, MU से कर दिया, या कहीं से भी आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न होते थे, इसके बाद में उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होते थे, इन सब चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अब आप सभी का एग्जामिनेशन पैन इंडिया एक बार में होगा, एक साथ में होगा। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हर एक स्टेट बोर्ड की मार्किंग की जो स्कीम होती है क्लास 12th की वो अलग होती है। जैसे UP की जो स्टेट बोर्ड की मार्किंग होती है वो अलग होगी, उत्तराखंड की अलग होगी, कर्नाटका की अलग होगी, महाराष्ट्र की अलग होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी। तो किसी स्टेट बोर्ड में 75% लाना बच्चों के लिए आसान होता है, वहीं किसी दूसरे स्टेट की बोर्ड की जो मार्किंग होती है उसमें 75% लाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे जो उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको कई सारे स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल जाता है और कई सारे स्टूडेंट डिसएडवांटेज ग्रुप में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट बोर्ड से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे मार्क को गेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो चीज़ों को इक्वलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए CUET के कंसेप्ट को लाया गया। सभी स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ही जगह एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ पे स्टूडेंट उस पोर्टल पर जा करके जिस भी यूनिवर्सिटी से वो अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसको चूज़ करेंगे और उसके साथ में पैन इंडिया एग्जामिनेशन सभी का एक साथ में होगा। CUET के स्कोर के बेसिस पे आपका अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसको लाने के पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं, वो ये कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को सेव करना मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, दूसरी बात ये कि सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स की मार्किंग स्कीम अलग होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से फॉर्म फिलअप करना है फॉर्म फिलअप करिए, पैन इंडिया एक ही बार एग्जामिनेशन होगा, सभी का एक बार एडमिट कार्ड आएगा, सभी के एक ही बार रिजल्ट्स आएंगे और आप सभी लोग अपने प्रोग्राम्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। सो 2022 और 23 में अब जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एनरोलमेंट होने वाला है, जो भी एडमिशन्स होने वाला है, वो CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के ही बेस पे या इन्हीं के स्कोर के बेसिस पे ही होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस 27 मार्च को जो है आई थी और 21 मार्च को ये पूरा आपका जो प्रारूप है CUET का वो रखा गया था। सो इस नोटिस को आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इस नोटिस को आपको शेयर भी कर दे रही हूँ। देखिए इसको और देखिए समझिए कि क्या कुछ इस वक्त हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया गया 27 मार्च की ये न्यूज़ है, जहां पे एक पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया गया है और कहा गया है कि अब जो आपके एकेडमिक सेशंस होने वाले हैं 2022-23 के, यहां पर 13 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन होंगे। वो इसलिए ताकि स्टूडेंट्स को सेव किया जा सके मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जा सके जो डिफरेंट बोर्ड से बिलोंग करते हैं। अब इसमें डिफरेंट आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, डीम यूनिवर्सिटीज़ होंगी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी या अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे, जहाँ पे भी आपको एडमिशन लेना आप ले सकते हैं और CUET के स्कोर के बेसिस पे ही आपके एडमिशन होंगे, बजाय कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के
जो एक पर्सनल लेवल पे जो एग्जामिनेशन को वो कंडक्ट कराते थे उसके बेसिस पे ना हो करके CUET के स्कोर पे आपके एग्जामिनेशन को या आपके रिजल्ट को कंसिडर किया जाएगा। के साथ में बताते चलें कि CUET के यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की विंडो ओपन की जा चुकी है। आप यहाँ पर अपने कोर्स को चूज कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हैं। NTA आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली है, तो रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आप अपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को चूज़ करके इंस्टीट्यूट के टाइप को, मतलब अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, स्टेट, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट या अदर्स, फिर आप नेक्स्ट करके इसके पूरे प्रोसेस को आप फिलअप करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको जहाँ से भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोलमेंट लेना है आप कर सकते हैं। आप NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस नोटिस पर क्लिक करके अपने अपने फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पे काफ़ी बड़े बदलाव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर में किए जा रहे हैं और CUET उन्हीं बदलावों में से एक है। ये न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि अब जो आपके अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में इनरोलमेंट के प्रोसेस हैं, जो तरीके हैं, वो चेंज हो रहे हैं। अगर आपके घर में कोई आपके सिस्टर है, भाई है, बहन है, तो उनको भी ये पता चलना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। बताते चलो कि UGC नेट की पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही चैनल पर मैं करा रही हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। रोज़ शाम 9 बजे हमारी क्लासेस चलती है। All the very best and get success. मिलते हैं अपनी क्लास में। टाटा एंड बाय। थैंक यू।